हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइज, फिर से एक नया ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज हम जा रहे हैं एक प्रसिद्ध मंदिर जो कि मधेपुरा जिला स्थित नया नगर गाँव में है, तो वहाँ चलते हैं, फिर वहाँ मिलकर आपसे बात करते हैं। सो गाइज, फाइनली हम लोग आ चुके हैं नया नगर मंदिर पे। तो आप मंदिर का गेट ये देख सकते हैं, हम लोग इसी गेट से एंट्री करेंगे अंदर। चलिए फिर अंदर चल के दिखाते हैं आपको, माता का दर्शन करवाते हैं। सो गाइज, हम लोग मंदिर पे पहुंच चुके हैं। ये मंदिर जो है मधेपुरा जिला स्थित उदा किशुनगंज प्रखंड अंतर्गत एक मतलब नया नगर गांव पड़ता है, उसी गांव में है, जो कि बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। और ये जो है माँ भगवती का मंदिर है। आप मंदिर को देख सकते हैं कितना सुंदर से नक्काशी किया गया है। और तो गाइज, यहाँ पे जो है शादी समारोह भी होता है। आप ये देख सकते हैं मंडप, और दो मंडप है, उधर भी एक मंडप है, देख सकते हैं बाबा बजरंगबली का मंदिर है। और ये चारों साइड जो है फूल सब लगा हुआ है, देख सकते हैं कितना अच्छा है। तो गाइज, मंदिर परिसर में आप ये देख सकते हैं, ये सब मंदिर है जो कि शायद विष्णु भगवान का मंदिर है। तो आपको चलिए अंदर हम लेकर चलते हैं, मेन मंदिर का मुख्य द्वार ये देख सकते हैं आप। तो चलिए आपको दर्शन करवाते हैं माँ भगवती का। और आप ये देख सकते हैं कुआं, इसी कुआं से जल लिया जाता है जो कि माता भगवती को मतलब अर्पित किया जाता है जल। आप ये देख सकते हैं कुआं। तो चलिए गाइज, हम आपको अंदर लेकर चल रहे हैं। सो गाइज, हम लोग अब मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये कितना सुंदर से नक्काशी किया हुआ है, इधर कुछ घंटी वगैरह सब लगा हुआ है। और आप माता का दर्शन कर लीजिए। पहले तो इसी में माता भगवती का मतलब निवास स्थान है। पहले जो है कोरोना काल से पहले जो है अंदर जाकर भी पूजा होता था, लेकिन अभी जो है अभी बाहर से ही पूजा होता है। तो आप लोग दर्शन कर लीजिए माता भगवती का, आप ये देख सकते होंगे। तो यहाँ पे कुछ बाबा वगैरह हैं, उनसे हम बात करेंगे। तो गाइज, आप देख सकते हैं बलि प्रदान यहीं से होता है, यहीं से मतलब फुलाइस वगैरह सब होता है, आप देख पा रहे होंगे वीडियो के माध्यम से। ये आप देख पा रहे होंगे कैसे होता है पूजा, हो गया। तो बाबा से यहाँ कुछ जानकारी लेंगे इस मंदिर के बारे में। बाबा, ये मंदिर का स्थापना कब हुआ है? इसका कोई 400 वर्ष से पूर्व। 400 वर्ष पूर्व, 200 वर्ष तो हम लोग को हो रहा है। यहाँ का कुछ शक्ति सब, शक्ति तो यहाँ देखते हैं आदमी कोई नहीं है, जंगल है वीरान, कहाँ से ये पाथा अब भैंसा मैखा सब आ जाता है जी, अनलेख हो जाता है। अब ये देखिए एक बज रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे कोई खास दिन होगा ना पूजा करने के लिए? शुक्र सोम बुध, शुक्र सोम बुध। हाँ, और क्या कहते हैं ये पोखर के बारे में कुछ बताइए। पोखर दैत का खुना हुआ है, पोखर दैत का खुना हुआ है, बहुत पहले का है। तो ये जो माता का प्रतिमा बना हुआ है, ये अपना से बनाया है या बहुत पहले से? आजीवन है, किसी आदमी का स्थापना नहीं किया हुआ है ये, संगमरमर जो है वो उसको आदमी किया। ये प्रतिमा आप लोग देख पा रहे होंगे जो कि मतलब खुदाई के टाइम में समझ लीजिए कि इतना बड़ा पत्थर गया है भीतर, इतना बड़ा दूर गया है, 2 मरत 4 मरत तक गया। लेकिन अभी हम का जो है ये दांत खुना है, दांत भूत। हाँ, दांत दांत दांत, वो क्या है वो? वो मंडप है, जग हुआ था और वही पार्क बना दिए हैं, फूल फूल फल रोप दिए हैं। तो गाइस, जैसा कि आप लोग बाबा के मुंह से सुने कि यहाँ का अद्भुत है माया माता भगवती का, और यहाँ पे हर मनोकामना पूर्ण होता है। अगर आप लोग भी आइए यहाँ पे, कुछ मन्नत मांगिए, जरूर माता भगवती पूरा करेंगे। तो गाइज, खुदाई के द्वारा कुछ जो है यहाँ शिवलिंग वगैरह सब और कुछ मिला है। तो
जो कि हजारों वर्ष के आसपास जो है पुराना है। चलिए आपको दिखाते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये सब मतलब खुदाई किया गया था उसी टाइम में मिला था। तो गाइस जहाँ पे बलि पड़ता है, चलिए आपको वहाँ दिखाते हैं, दो बलि पड़ा है, ये आप देख पा रहे होंगे। और चलिए आपको कुछ पोखर के बारे में कुछ बताते हैं। ऐसे तो बाबा के मुंह से आप सुने ही हैं कि पोखर बहुत पुराना है, जो कि किसी को पता नहीं है कि ये कैसे हुआ था। बोलता है कि जहाँ तक यहाँ का आदमी का मान्यता है कि पोखर जो है दैत खुना था, दैत के द्वारा खुदाई किया गया था पोखर। ये आप देखिए पोखर कितना खूबसूरत है, चारों साइड से ये मतलब प्लास्टर किया हुआ है, और शायद यहीं से माता भगवती को जल अर्पित यहाँ पे।